क्वेश्चन नंबर सिक्स, हम्म, माना कि डायग्राम पी ऑफ एन, ये सब तो लिख दिया अपन ने। एन बराबर वन के लिए, एन बराबर वन के लिए लेफ्ट हैंड साइड एन इंटू एन प्लस वन, वन एक दो वन प्लस वन, यानी कि वन वन प्लस वन कितना टू, लेफ्ट हैंड साइड कितना है टू, टू राइट हैंड साइड एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन थ्री, वन लिख दो वन इन वन प्लस वन वन प्लस टू अपॉन थ्री, वन वन प्लस वन टू हो गया, वन प्लस टू थ्री हो गया, थ्री थ्री से थ्री कैंसिल कर दूँ तो टू आ गया राइट हैंड साइड, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः दिया गया कथन पी ऑफ एन एन बराबर वन के लिए सत्य। अतः दिया गया कथन पी ऑफ एन एन बराबर वन के लिए सत्य। उसके बाद क्या करेंगे, माना कि लिखेंगे ना, ठीक है। फिर ये लिखेंगे माना कि जगह कथन एन बराबर के लिए सत्य, तो एन की जगह जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ के लिख देंगे। देखो वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फोर डेढ़ डैश के इंटू के प्लस वन बराबर एन इंटू एन प्लस वन के इंटू के प्लस वन के प्लस टू अपॉन थ्री, एन की जगह सब लोग क्या लिख दिया, के लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें सिद्ध करना है कि दिया गया कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है, है ना। अब हमें सिद्ध करना है कि जगह कथन एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है, यानी कि अब क्या करना है, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ के प्लस वन लिखना है। तो वन इंटू टू, और हाँ ये चाहो तो लिख लो पी ऑफ के, नहीं लिखा ना तुमने, ऐसे यहाँ पे चाहो तो पी ऑफ के प्लस वन लिख लो, जरूरी नहीं चाहो तो, वैसे नहीं लिखो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जगह भरा जाएगी तुम्हारी, है ना। टू इंटू थ्री थ्री इंटू फोर डेढ़ डैश एन की जगह के प्लस वन, है ना। अब यहाँ पे के प्लस वन रखो, के प्लस वन और प्लस वन के प्लस टू हो जाएगा, के प्लस टू, और वैसे दिख रहा है दो के बाद तीन है, तीन के बाद चार है, तो के प्लस वन के बाद एक और बढ़ जाएगा, के प्लस टू आएगा, है ना। चलो यहाँ पे एन, तो के प्लस वन के प्लस वन, अब यहाँ पे एन प्लस वन है, एन की जगह आएगा के प्लस वन, तो के प्लस वन कितना हो गया, के प्लस टू हो गया, के प्लस टू हो गया। फिर एन प्लस टू, एन की जगह क्या आ गया के प्लस वन, तो प्लस वन और प्लस टू के प्लस थ्री हो गया, शाबाश के प्लस थ्री हो गया अपॉन में थ्री। अब इसके बाद क्या करते हैं, अपन सोचते हैं कि इसके पहले क्या आएगा, इसके पहले क्या आएगा, और डेफिनेटली यही वाला आएगा, अपन सोच के भी देख लेते हैं। वन इंटू टू, टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फोर डैश डे डैश, देखो तीन के बाद दो, दो के बाद एक, एक घट रहा है, तो k प्लस वन के पहले k ही तो आएगा, और k प्लस टू के पहले k प्लस वन आएगा, यही तो आया, यही आया हर बार, k प्लस वन और क्या लिखा हुआ है, k प्लस टू, यहाँ देखो यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है, k प्लस वन k प्लस टू k प्लस थ्री। सर जो k प्लस वन है, हाँ ये आपने दो बार, ये इसके पहले वाला टर्म के प्लस वन के पहले क्या आएगा, और के प्लस टू के पहले के प्लस वन आएगा, वापस पे ये लिख, हाँ भाई वापस ये तो लिखना है हमेशा, इसके पहले क्या आएगा वो सोचते हैं अपन और लिखते हैं, और जो अपन सोचते हैं ना वो पहले ऑलरेडी ऊपर रहता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला मान रखेंगे ना अपन। यहाँ पे देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड लो, अभी तुमको समझ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड लो, ये पूरा लूँगा ना मैं, वन इंटू टू प्लस टू इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फोर प्लस डेढ़ डैश प्लस के इंटू के प्लस वन प्लस के प्लस वन और के प्लस टू, है ना। तो देखो मैं क्या कह रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये यही तो मान है, ये वाला रख दूंगा अब मैं यहाँ पे, इसलिए हर बार यहाँ जब भी सोचना हो ना कि इसके पहले क्या आएगा, तो एन बराबर के जो रखा उसको देख लो, जो यहाँ पे रहेगा वही आएगा, है ना। और बाकी सोच के भी देख सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा आ रहा जिसमें तो दिमाग काम नहीं करता, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे जो लगा वो लिख दो चुपचाप से, है ना, क्योंकि हमेशा ये होगा k इंटू के प्लस वन, है ना। तो यहाँ से लेके आता कि वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा k इंटू के प्लस वन के प्लस टू अपॉन थ्री प्लस, इधर क्या हो गया k प्लस वन के प्लस टू
वन, यहाँ कुछ नहीं तो वन है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो वन आएगा। अब मुझे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चला ना मैं, तो मुझे क्या लाना है, ये लाना है राइट हैंड साइड, के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस थ्री। तो ये तो आसान ही लग रहा है मेरे को, क्या आ जाएगा एलसीएम तीन। अच्छा कॉमन निकाल लेते पहले, क्या करते कॉमन निकाला तो कॉमन निकाल लो। देखो के प्लस वन, के प्लस टू कॉमन है ना, के प्लस वन निकाल दिया, के प्लस टू निकाल। देखो यहाँ से क्या बचा, के बचा और तीन बचा, क्या भाग गया, के बटे, यहाँ तो पूरा बाहर निकल गया, तो क्या बचा केवल वन बचा, के प्लस वन, के प्लस टू। यहाँ देखो तीन एल सी एम तीन गुणा, यहाँ नीचे कुछ नहीं, मतलब एक मान लो के का एक करेंगे तो एक, तीन एकम तीन। अब ये तीन बटे में तो तीनों के बटे में ना है, तो तीनों के बटे में लिख सकते अपन उसको, क्योंकि गुणे में सब, तो ये तीनों के बटे में तीन आ गया, यही तो चाहिए था है ना, राइट हैंड साइड। फिर नीचे क्या लिखोगे, अतः गणित आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन सभी एन अवयव एन के लिए सत्य है ना, गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन पी ऑफ एन सभी एन अवयव एन के लिए सत्य। ये कौन, ये स्मॉल एन है और ये कैपिटल एन है, स्मॉल एन मतलब कौन सा, ये जो सवाल में दिया हुआ, और कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है ना, नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राकृत संख्या। यानी कि ये जो कथन है ना केवल प्राकृत संख्याओं के लिए सही है, माइनस वाले नंबर नहीं ले सकते, बटे वाले नंबर नहीं ले सकते, प्राकृत संख्या ही लेना है, ठीक है।